आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नौगांव नगर में बन रही फिल्म की शूट पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर नारायण चौहान ने कहा कि ये फिल्म किसी भी ओटीटी चैनल के पहले बुंदेलखंड के सभी सिनेमाघरों पर एक ही दिन में रिलीज की जाएगी। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड बहुत खूबसूरत जगह है, जल्द ही अपनी दो और बड़ी फिल्म भी यहाँ शूट करेंगे। चौहान जी ने बताया कि इस फिल्म के निर्माता बरसाना फिल्म के अखिलेश निगम जी हैं। फिल्म की कहानी नौगांव नगर के ही नितेश सिंघल की है, उसको सजाया है नौगांव के ही पुष्पेंद्र चौबे ने, तो वहीं डायलॉग सौरभ शर्मा ने दिए। फिल्म की शूट डिस्लरी रोड पर बने अमित पुनीत मेहरोत्रा के बगीचे पर हो रही है। इस फिल्म में मुंबई से पधारे सुनील कुमार जी, जिन्होंने धारावाहिक लापतागंज में सुती हलवाई की भूमिका लगभग 6 वर्ष तक निभाई, वहीं भोपाल से पधारी आरती शर्मा जी इस फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका में नितेश सिंघल और राहुल नामदेव हैं। साथ में इस फिल्म में बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों से मेहमान कलाकार में मुक्ति मंसूरिया, सर्वेश खरे, प्राची चौरसिया, अनिरुद्ध मिस्त्री, नेहा कश्यप, संजय निगम, जगदीश शिवहरे, संजीव बाबरा, हृदेश गोस्वामी, उदित नारायण, मोहन सिंह दाऊ, नितिन पटौरिया रहे। वहीं नौगांव से सौरभ शर्मा, पुष्पेंद्र चौबे, सुनील तिवारी, विवेक रावत, यादवेंद्र सिंह, मनोज तिवारी, अज्जू सोनी रहे। नितेश सिंघल ने बताया कि शहरवासियों से सहयोग के रूप में संजय मोर, अशोक तिवारी, मनोज अग्रवाल, डॉक्टर जे के अग्रवाल आगे आए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मध्य प्रदेश से विशेष संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। आपके द्वारा तो उस फिल्म में सर उद्देश्य क्या है, वो बुंदेलखंड में किसके जगह पर उसके सीन लिए जा रहे हैं? पहला उद्देश्य तो ये है कि जो बुंदेलखंड में मैं शूट कर रहा हूँ कि यहाँ बुंदेलखंड में एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री स्थापित हो जो किसी भी मायने में हमारी भोजपुरी, मराठी या बंगाली सिनेमा से कम ना हो। तो अभी शुरुआत है और बहुत अच्छे लेवल पर शुरुआत हुई है, कुछ अच्छी फिल्में बुंदेली आई हैं और मेरी कोशिश हमारी और नितेश जी और जितने भी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में लोग हैं जो फिल्म लाइन से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं कि बुंदेली सिनेमा यहाँ स्थापित हो, तो बहुत जल्दी हम लोग ये एक पूरा का पूरा एक माहौल ऐसा क्रिएट करेंगे कि बुंदेली सिनेमा यहाँ पे बहुत जल्दी स्थापित हो। सर, इसमें किस कहाँ कहाँ के और भी कलाकार होंगे? हमारी कोशिश ये है कि हमने जितना भी बुंदेलखंड में जो जितने भी ज़िले हैं उन सब के एक एक दो दो कलाकार को इस फिल्म में लिया है। हमारी क्योंकि मेरी कोशिश थी कि हमारी जो बुंदेली भाषा है वो हर एक जनपद के साथ बदल जाती है, तो इसमें जो फ्लेवर है वो जितनी भी बांदा की अपने बुंदेली अलग है, महोबा की बुंदेली अलग है, छतरपुर की बुंदेली अलग है, तो सबका फ्लेवर आए एक हिंदी स्वरूप में, इसलिए हमने सारे बुंदेलखंड के कलाकारों को इसमें लोकेशन क्या चुनी है आपने? लोकेशन हमारी पहली लोकेशन तो अपनी नौगांव ही है। नौगांव में ये जो अपना किला है तो गुप्ता मल्होत्रा जी का बहुत अच्छा लगा है मुझे, और इसमें तो मैं शायद भविष्य में और 2-3 फिल्म शूट करने वाला हूँ। ये फिल्म जो है बहुत जल्दी हमारे हो सकता है कि 3-4 महीने के अंदर मैं OTT में तो सेकंड उसमें जाऊंगा। मेरी पहली कोशिश है कि हम जितने भी बुंदेलखंड के सिनेमा हॉल हैं उसमें ये अपनी फिल्म लेके जाऊं। लगभग कब तक रिलीज हो जाएगी? नवंबर दिसंबर तक आप मान के चलो कि हो जाएगी। मैं आरती शर्मा भोपाल से हूँ। मैंने अभी कुछ वेब सीरीज़ की हैं, जैसे कि महारानी फर्स्ट में मैं रही उमा कुरैशी मैम के साथ, और मैंने आयुष्मान खुराना के साथ डॉक्टर जी की है। कुछ और भी वेब सीरीज़ मेरी आ रही हैं, जैसे कि आश्रम 3, शिक्षा मंडल, वाइट गोल्ड, और भी 3-4 वेब सीरीज़ मेरी लाइनअप हैं। एक हमारी बिरसिंहपुर पाली में शूट हुआ था जिसका नाम था एक थी मजबूरी, उसमें मेरा एज अ लीड कैरेक्टर रहा है, बस वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। सीरियल्स हैं कुछ क्राइम पेट्रोल के, सावधान इंडियाज के, बाकी 10 से 15 शॉर्ट फिल्म्स कर चुकी हूँ, एड फिल्म्स कर चुकी हूँ, यही सारा कुछ। आप भोपाल की रहने वाली हैं, आप कैसे, आपने वेब सीरीज की है तो बुंदेली फिल्म में कैसे आपने सोचा कि हम बुंदेली फिल्म बनाएं? देखिए, बुंदेली लैंग्वेज जो है वो बहुत प्यारी है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और जिनको बोलना आता है उनको भी बड़ा मज़ा आता है बोलने में। और मैं रही हूँ कुछ ऐसे, मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, जो मेरी नानी है, मेरी मम्मी है, इनको हमेशा मैंने उसी तरह से बोलते हुए सुना है बचपन से, तो वो अच्छा लगता था। हालांकि अभी अब हम अगर अपने बच्चों के सामने, जो आज की नई जनरेशन है उसके सामने अगर हम इस लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो थोड़ा सा सोचते हैं, अरे ये किस तरह से बोल रही है मम्मी, आपको क्या हो गया, ये कैसे बात कर रहे हो। लेकिन होता क्या है, जब हम अगर बुंदेली लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसको हम सीरियल्स या फिल्म के माध्यम से ही कर सकते हैं।
क्योंकि बच्चे आजकल फिल्म देखना, टीवी देखना या मूवीज़ देखना बहुत पसंद करते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी। और अगर इसको हम अपने इन भाषाओं में बनाएंगे तो वो बिल्कुल देखेंगे भी और उनको मज़ा आएगा, तो वो कुछ सीखेंगे भी। तो हमें अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाना और बुंदेली लैंग्वेज को आगे बढ़ाना तो बहुत अच्छा लगे। एक तरफ देखा जाए आप भोपाल से बिलोंग करते हैं, दूसरा आपका कार्य क्षेत्र बुंदेली रहा है, तो बुंदेलखंड में आप किस तरह से पहुंचे, किस से संपर्क हुआ? मैंने एक सबसे पहले एक सीरियल किया था दम लगा के हंसना, तो उसमें मुझे एज अ कास्ट किया था अम्मा जी। तो उन्होंने पहले तो ये नहीं सोचा था कि मुझे बुंदेली बोलना आएगा या मैं बोल पाऊँगी, जब उन्होंने देखा तो मैंने बोला। और फिर उसके बाद मुझे दूसरा मौका मिला है नीतेश जी के जरिए कि उन्होंने मुझे बुलाया, और ये बुंदेलखंड का काम था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे दूसरा मौका मिला ये बुंदेली में काम करने का, तो मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। जो नौगांव में फिल्म बना रही हैं आप, तो इसमें कौन सा रोल आप अदा कर रही हैं? मैं इसमें तीन भाइयों की प्यारी सी लाडली बहन हूँ, बस यही बताऊँगी कि तीन भाभियाँ हैं मेरी, बाऊजी हैं, मेरे भाई हैं, बस मैं सबकी लाडली बहन।